क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम हुआ रमेश कुमार। अच्छा, तो आप ये शॉप कब से चला रहे हैं यहाँ पे? ये तो बहुत ही एक साल लगभग हो गया, न्यू खुला है। अच्छा अच्छा, एक साल हो गया। मेरा ओनर कोई और है, आएगा शाम को। अच्छा, तो अभी आप क्या बना रहे हैं? ये अभी ये बन रहा है मेरा मुगलाई पराठा बनेगा। अच्छा, मुगलाई पराठा। हाँ, तो ये आपने मैदा लिया अभी? हाँ, ये मैदा लिए। अच्छा, तो और यहाँ पे क्या क्या मिलता है यहाँ पे आपकी शॉप? आपका रोस्टेड में मिल जाएंगे आपको, रोल स्नैक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, उसके बाद मुगलाई पराठा होगा, रोल होगा। अच्छा, उसके बाद आपका हो जाएगा शोरमा रोल होगा। शोरमा? चिकन शोरमा रोल। लगभग आपका जो है 4 बजे तक लगेगा। अच्छा, तो आपका डेली 4 बजे तक लगता है ये? हाँ, ये 4 बजे के बाद ही लगता है। और संडे को आपकी शॉप खुली होती है? हाँ, संडे को खुली होती है, हम लोग का हर मंगलवार को जो बंद रहता है। अच्छा, मंगलवार को बंद होता है आपका। तो आपका सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है यहाँ पे? हम लोग का यहाँ चलता है बिरयानी भी चलता है, गलौटी कबाब हम लोग का फेमस है गलौटी सेंटर का। अच्छा, उसके बाद रोल में आपका फेमस रोल भी, शोरमा रोल भी अच्छा खासा चलता है हम लोग का। अच्छा, तो आप ऑनलाइन भी फूड बेचते हैं? हाँ, ऑनलाइन भी देते हैं। अच्छा, जोमेटो स्विगी में हम लोग का काम ऑनलाइन है। अच्छा, तो ऑनलाइन भी आपका ठीक चलता होगा यहाँ? हाँ, ऑनलाइन चलता है, बढ़िया चलता है। अच्छा, तो कीमा निकालता हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, ये कीमा है आपका? कीमा है मेरा। तो आप ये सुबह रेडी करके रखते हो ये? हाँ। तो ये हमारा मटन कीमा है ना? हाँ, ये मेरे पे थोड़ा प्याज दे दिए इसमें। अच्छा, प्याज देने के बाद प्याज भी आपका काफ़ी फ्रेश है इसमें? हाँ, क्योंकि चलता है तो एक्चुअली ये सब फ्रेश ही रखना पड़ता है। हाँ जी, तो इसमें मसाले में क्या क्या डाला आपने मटन में साथ में? इसमें आपका हर चीज़ गरम मसाला आता है, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर। अच्छा, काली मिर्च, लाल मिर्च, वो सब सारे आइटम हम लोग का जाता है। अच्छा, उसके बाद खुद से हम लोग पहले टेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर किसी को, इसके बाद मैं अंडे डाल रहा हूँ। अच्छा, तो कितने अंडे डालते हो इसमें? मैं एक अंडे। एक अंडा। अच्छा, उसके बाद हाथ से मैं इसको, सबका अलग अलग तरीका होता है मुगलाई पराठा बनाने का, ठीक है? मेरा अलग है और किसी और का अलग होता है। तो अब आप इसको फ्राई करोगे? हाँ, इसको मैं हो गया मैं तैयार, अब इसको मैं फ्राई करूँगा। अब देखते हैं, इसका नाम जैसे मुगलाई है वो बनता भी वैसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही। तो भैया, अपने नाम मुगलाई क्यों रखा इसका? ये क्योंकि दिल्ली में, दिल्ली के अंदर ज़्यादा फेमस है। अच्छा, और इसको कोलकाता का फेमस है मुगलाई पराठा। अच्छा, बाकी रोल्स और मुगलाई पराठा है ना, ये अच्छा फेमस है। अच्छा अच्छा, इसलिए कोलकाता से हम लोग का जो ये मतलब ये करके था, उसके हल्के आज में इसको छोड़ दिए हैं, तो धीरे धीरे तेल मारेंगे बनेगा। तो लोग इतना ऑयली खाना पसंद करते हैं पराठा? ये ऑयली, बिल्कुल ऑयली नहीं होगा, कम होगा, उतना ज़्यादा नहीं होगा। ऑयली ऑयली ऑयल बाहर रहता है, इसमें फ्राई होता है, सब निकल जाएगा। काफ़ी अच्छा कलर आ गया इसमें, ऑटोमेटिक बनेगा, पूरा कलर हो जाएगा, ब्राउन कलर होगा पूरा, और देखने में भी अच्छा लगेगा। जितना देखने में अच्छा लगेगा, उतना खाने में भी टेस्ट लगेगा। बट ऑयल तो भैया पूरा दिख रहा है इसके ऊपर, वो सारा खत्म हो जाएगा। अब ये पेट में खत्म हो गया। तो कितने मिनट लगते हैं इसको पकने में? इसका कम से कम, अगर आप इसका समथिंग 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। अच्छा, आराम, हल्के आँच में इसको करना पड़ता है, क्योंकि अंदर में जो है काचा ना रहे, धीरे धीरे हल्के हल्के आँच में वो कब बने लगता है।
ये तो काफ़ी हैवी लग रहा है, ये तो ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं उसको। जी बिल्कुल। रेडी हो गया, तैयार हो गया थोड़ा आप। ठीक है डाल दो भैया। ये हो गया मेरा मसाला है जो अच्छा। मुगलाई के ऊपर दिया जाता है। चार पीस करना है? हाँ चार पीस कर दो आप। ये क्या भैया? ये हो गया आपका काशुंदी। ये क्या होता है? ये मस्टर्ड है, मतलब सरसों का ये बना हुआ होता है। अच्छा। ये ज़्यादा मुगलाई के साथ खाने में टेस्टी अच्छा लगता है। ये हो गया आपका केचप, टोमेटो केचप। तैयार हो गया। Thank you.